सुप्रभात विद्यार्थियों विद्यार्थियों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गरिमा हिंदी पाठमाला का फर्स्ट चैप्टर जो एक कविता है उसे आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। कविता है मेरे देश के लाल। स्टूडेंट्स, इस कविता को हमने जूम मीटिंग में, जूम लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था और मैंने कुछ पद उसमें समझाए थे, तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले हम इस कविता के कवि के बारे में जान लेते हैं। इस कविता के कवि हैं बाल कवि बैरागी, जिनका जन्म 1931 में हुआ। और मंदसौर एक जगह है जो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इनकी मुख्य, इनकी प्रमुख कविताएं जो आपके सामने हैं, गौरव गीत, दो टूक और भावी देश के रक्षक, ये आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। तो आप इनकी जो कविताएं हैं, दो या तीन आप ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। तो अब चैप्टर पर आ जाते हैं। चैप्टर है हमारा दूर तही की नदियां, जिसके आंचल में कलकल करती हीरा पन्ना माणिक से है पटी यहाँ की शुभ धरती। हल्की नोके जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर उसकी ऊंची ध्वजा फहराती। अब देखिए, मैंने इसका भावार्थ भी जो है आपको रिटर्न के रूप में यहाँ पर लिखा है मैंने यहाँ पर। तो जब आप इस चैप्टर वीडियो को सुनो तो आप इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे, और अगर बाद में भी अगर आप इनको अपने पास में रखते हो सेव करके, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं उसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो क्या है, समृद्ध है। अर्थात यहाँ पर सभी चीज़ें परिपूर्ण हैं। यहाँ पर दूध की नदियाँ बहती है, अर्थात यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। दूध दही, जिस प्रकार दूध और दही बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार हमारी जो नदियाँ हैं वो भी कैसी, एकदम साफ और स्वच्छ है और क्या है, बहुत ही पवित्र है। अर्थात हमारे देश में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ की जो भूमि है वो हीरा पन्ना और माणिक जैसे रत्न उगलती है। अर्थात यहाँ के जो हमारे जो देश भावी हमारा जो भारत देश है उसके यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो सैनिक है सैनिक वो किस कैसे हैं, हीरे मोती और रत्नों के भांति। जिस प्रकार ये सब चीज़ें क्या होती है, बहुत ही बहुमूल्य होती है, इसी प्रकार हमारे देश की जो सेना है या जो सेना के जो जवान हैं वो भी क्या है, बहुत ही अनमोल है, हमारे लिए रत्न के समान है, ठीक है। ऊंचे हिमालय के पर्वतों शिखरों के समान यहाँ पर ध्वज फहराया करते हैं। अर्थात यहाँ पर इसका यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जब हम लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं किसी भी कार्य में, जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे देश के जो सैनिक हैं वो क्या करते हैं, हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखरों पर अर्थात ऊंचाई पर जाकर, चोटी पर जाकर हमारे देश का तिरंगा लहराते हैं, ठीक है। यह जो देश है पूरे वीरों से भरा हुआ, अर्थात यहाँ का जो यहाँ की जो जनता है अर्थात यहाँ के जो लोग हैं उसके अंदर में भी क्या, उनके मन में भी क्या क्या पनपता है, एक सैनिक पनपता है। एक सैनिक यहाँ पर हर व्यक्ति के दिल में रहता है और हमें यह क्या ज्ञात करवाता है कि हम आज़ाद हैं। अर्थात हम इस आज़ाद देश में रहते हैं, आज़ाद भारत में रहते हैं, तो हमें ये अधिकार है कि हम किसी भी प्रकार अपना जीवन जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ादी दिलाई है, हम इस आज़ाद भारत में रहते हैं तो हम सभी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। मेरे देश के जो लाल है अर्थात हमारे देश के जो सैनिक है, ठीक है, हमारे देश के जो सैनिक है वो क्या है, बहुत ही हटीले अर्थात बहुत ही ज़िद्दी है, ठीक है। इतनी ज़िद्दी है कि वो किसी के सामने शीश झुकाना नहीं जानते, चाहे उनकी उनकी जान पर भी बन आए, लेकिन वह पीछे नहीं हटेंगे अपने देश के आन बान और शान के लिए। क्या करेंगे, लड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपना शीश नहीं झुकाएंगे, ठीक है। आज़ादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते हैं सेनानी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि हमारी जो आज़ादी है वो क्या है, हमारा अधिकार है। आज़ादी क्या है, हमारा अधिकार है। विश्व शांति के गीत सुनाता जहाँ चुनचुनरिया ये धानी, विश्व शांति के गीत। अर्थात हम भारत में रहते हैं, ठीक है, हम एक आज़ाद भारत में रहते हैं, लेकिन हम कहाँ पर शांति चाहते हैं, भारत के अतिरिक्त विश्व में भी, हम पूरे विश्व में भी क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। मेघ सांवले बरसाते हैं जहाँ अहिंसा का पाठ, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेघ है अर्थात जो बादल है
वो क्या सिखाते हैं हमें, अहिंसा का पाठ सिखाते हैं। अर्थात हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं, किसी के साथ में कोई आपस में बैर नहीं करना चाहते, विश्व में शांति बनाना चाहते हैं। और मेघ भी क्या दर्शाते हैं हमारे साथ में, मेघ क्या बरसाते हैं, अहिंसा का पाठ बरसाते हैं, और वही पानी हमारे ऊपर बरसाते हैं। अर्थात आगे आने वाले समय में कभी भी हमें किसी के साथ में हिंसा का व्यवहार नहीं करना, अर्थात लड़ाई झगड़े नहीं करनी है। अपनी मांग पहुँचती डालती हंसते हंसते कल्याणी, ठीक है, अपनी मांग अर्थात यहाँ पर कल्याणी, कल्याणी का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो हमारे देश की जो वीरांगनाएं हैं, जो स्त्रियां हैं जिनके पति जो हैं वो कहाँ गए हैं, बॉर्डर पर गए हैं, सीमा पर गए, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और अगर रक्षा करते हुए अगर उनको मृत्यु भी आ जाती है, अगर वह शहीद भी हो जाते हैं, तो वे हंसते हंसते क्या कर लेती है, अपने मांगे पहुंच जाते हैं, अर्थात अपना सिंदूर पहुंच देती है, लेकिन अपने आंखों में आंसू नहीं आने देती। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऐसी धरती माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। ठीक है, अब आगे कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि मेरे देश के जो लाल है बहुत ही हटीले है, अर्थात बहुत ही ज़िद्दी है। किस प्रकार ज़िद्दी है कि ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने, अर्थात हमारे देश के जो जो बेटे हैं अर्थात जो सैनिक हैं, उनकी माएँ भी उन्होंने माँ ने भी उन्होंने उनको क्या दिया है, सॉरी क्या दिया है कि आप तुम कुछ भी करो लेकिन अपने देश के ऊपर किसी प्रकार की आँच ना आने पाए, सम्मान की रक्षा के लिए तुम मर भी जाओ, तुम मिट भी जाओ तो हमें गम नहीं है, लेकिन हमारे देश की आन बान और शान के लिए उनके सम्मान पर किसी प्रकार की कोई आँच ना आने पाए। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर है मर जाना, जहाँ पढ़ाया जाता अर्थात माँ यहाँ पर कौन है, हमारी भारत माँ। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सभी जगह पर क्या पाठ पढ़ाया जाता है कि हमारी माँ के लिए, हमारी माँ की रक्षा के लिए अगर तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो तुम पीछे मत हटना, अपनी माँ की खातिर अर्थात अपनी भारत माता के खातिर। हम उस देश के वासी हैं जहाँ केवल भारत माता के सम्मान की खातिर अपने जीवन का बलिदान करने को भी सिखाया जाता है, ये चीज़ में भावार्थ के रूप में पता चलता है। ठीक है, जियो शान से मरो शान से, जहाँ जहाँ कहाँ है कौमी गान। कौमी का अर्थ क्या होता है, एकता में रहता, हर जाति धर्म और संप्रदाय के लोग यहाँ पर एक साथ में रहते हैं और कौमी गाना गाते हैं, अर्थात एक साथ में रहकर शान से जीना और शान से ही मरना, ये चीज़ हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। यहाँ का बच्चा के बच्चा, छोटा छोटा बच्चा के बच्चा क्या चाहता है, देश पर मर मिटने को तैयार है, यह सभी मिलजुल कर रहते हैं। बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बाना, बाना का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को पहनना। ठीक है, बाना का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज़ को पहनना, कि यहाँ पर छोटे से छोटे बच्चा भी क्या होता है अपने देश पर मर मिटने को तैयार हो जाता है, वह इसी प्रकार का चोगा पहन के रखना है, मतलब ऐसा वेश धारण करके रखता है। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। ठीक है, कि हम उस देश के वासी हैं, जहाँ पर लोग शीश झुकाना नहीं जानते, बल्कि अपने सम्मान के लिए अपना शीश कटाना उनको पसंद है। ठीक है, लेकिन अपना शीश झुकाना पसंद नहीं है। मेरे देश के लाल हटीले, अर्थात मेरे देश के जो लाल है, अर्थात जो मेरे देश के जो सिपाही है, वो कैसे हैं, हटीले हैं, किसी भी प्रकार अपना शीश झुकाना नहीं जानते, सिर्फ शीश कटाना जानते अपने भारत भूमि की, अपने भारत देश की रक्षा के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोयम समझ आई होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कह दूँ कि आप लोग जूम जो लाइव क्लास होती है वह डेली अटेंड कीजिएगा, जब भी हमारी क्लास होती है। तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।